लास्ट वीडियो में देखा था हाउस प्रोडक्ट, जिसमें हमने कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी थी और उसमें कुछ एग्जांपल भी पढ़े थे। अगर मैं उसका समरी बताना चाहूँ तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी उसमें डिटेल वाइज बात करी थी, ठीक है। और उसका एक पूरा समरी बताना चाहूँ तो मैं ऑलरेडी यह पहले वीडियो में डाल चुका हूँ। ये देखो, पहला कट था, फिर ब्रेड, फिर चीज़, फिर डोसा, इडली, फिर तुम्हारा फर्मेंटेड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अदर फूड्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, इसका हमने डिटेल पढ़ा था। डिटेल पढ़ने के बाद देखा, हम स्टार्ट करते हैं क्या कि माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, क्या स्टार्ट करते हैं, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री प्रोडक्ट। इंडस्ट्री प्रोडक्ट से हमें बेसिकली एक ही चीज़ ख्याल में आता है कि जो भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे वो कैसा रहेगा, लार्ज स्केल पर रहेगा। कैसा रहेगा मतलब लार्ज स्केल पर रहेगा, पहली चीज़ तो ये होगी। फिर हम इसको क्या करते हैं कि माइक्रोब इन इंडस्ट्री प्रोडक्ट को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आता है क्या, फर्मेंटेड बेवरेजेस, क्या बेटे लोगों, फर्मेंटेड बेवरेजेस। सेकेंड वन इज वॉट एंटीबायोटिक्स, एंड अनदर वन इज एंटीबायोटिक के बाद हमारा जो है वो है तुम्हारा एंजाइम्स। क्या है बेटा तुम्हारा, क्या है एंजाइम्स, केमिकल एंड अदर बायोटिक मॉलिक्यूल, क्या है एंजाइम, केमिकल एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा लोग। तो ये हम तीन पॉइंट में इसको पढ़ने वाले हैं, माइक्रोब्स एंड इंडस्ट्री प्रोडक्ट को तीन पॉइंट में हम पढ़ने वाले हैं। पहला क्या है, फर्मेंटेड एंड बेवरेजेस, हेडिंग क्या है पहली, फर्मेंटेड एंड बेवरेजेस। अब फर्मेंटेड एंड बेवरेजेस में बेसिकली हमने एक चीज़ देखी थी बेटा कि हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ को सड़ा के या गला के हम क्या कर रहे हैं, फर्मेंट करके इन दी प्रेजेंस ऑफ फंगस या तुम्हारा क्या बैक्टीरिया उसके थ्रू हम क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट बना रहे थे। तो इसमें फर्मेंटेड बेवरेज में पहला एग्जाम्पल था, सबसे इम्पोर्टेंट जो था, ईस्ट ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं ईस्ट। ईस्ट क्या करता है, एल्कोहल बनाता है, और ईस्ट को हम बोलते हैं क्या, सैकेरोमाइसिस सेरेबिसियाई, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है बेकस ईस्ट और ब्रेवस ईस्ट, ठीक है बेटा लोगों। दूसरा नाम क्या है, बेकस ईस्ट और ब्रेवस ईस्ट, याद रखना एक चीज, ठीक। इसके बाद एक्चुअल में क्या होता है, ये तुम्हारा जो एल्कोहल बनता है, ठीक है, एल्कोहल जो बनता है वो फर्मेंट होता है, बेसिकली इसी से होता है। किससे होता है बेटा, किससे होता है, इसी से होता है, किससे, तुम्हारा ईस्ट से। और ईस्ट की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या होती है, स्पीसीज भी होती है, ठीक। तो मैं पहला बोल रहा हूँ जो ब्रेवस ईस्ट है तुम्हारा क्या है, एल्कोहल और बेकस ईस्ट बोलते हैं। दूसरा क्या है बेटा, सैक्रोमाइसिस एलिप्सॉइडेंस, क्या सैक्रोमाइसिस एलिप्सॉइडेंस, ठीक। ये क्या करता है बेटा, ये क्या है, ये है तुम्हारा वाइनिस्ट, क्या है ये तुम्हारा वाइनिस्ट, याद रखना एलिप्सॉइड, सैक्रोमाइसिस एलिप्सॉइड क्या है तुम्हारा, वाइन ईस्ट है, ठीक। इसके बाद हमारे पास और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, सैक्रोमाइसिस जो होते हैं, जैसे मैं बोलूँ तुम्हें सैक्रोमाइसिस पायरफॉर्मिस जो क्या करता है, जिंजर बियर बनाता है, क्या बनाता है बेटा, जिंजर बनाता है, ऐसे सेक होता है वो सेक ईस्ट बनाता है, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि जो तुम्हारा मटेरियल जो है, जो हम मटेरियल यूज़ करेंगे उस मटेरियल से हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग जब करते हैं उसको, तो हमें दो टाइप के क्या मिलते हैं, प्रोडक्ट मिलते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि जो हम मटेरियल यूज़ करेंगे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट बनेगा डिपेंडिंग ऑन द
दी टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, डिपेंडिंग करते बेटे किस पे, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल जैसे हम क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं तो हमें दो टाइप का क्या मिलता है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट मिलता है। फर्मेंटेड प्रोडक्ट मतलब रिजल्ट मिलेगा इसका, और रिजल्ट में हमें मिलेगा क्या, एक अनडिस्टिल्ड मिलेगा, अनडिस्टिल्ड मिलेगा, और अनदर में क्या मिलेगा, डिस्टिल्ड मिलेगा। क्या समझ में आया, हम क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंट ऑन दी, ये जो अनडिस्टिल्ड प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है और डिस्टिल्ड प्रोडक्ट मिल रहा है, ये डिपेंडेंट करता है जो तुम्हारा रॉ मटेरियल कैसे है, ठीक है। और ये अनडिस्टिल्ड और डिस्टिल्ड मटेरियल से फिर फाइनली हमें गॉट होता है क्या बेटा, तुम्हारा अल्कोहलिक ड्रिंक, अल्कोहलिक, अल्कोहलिक्स ड्रिंक क्या क्या मिलता है, हमें वापस मिलता है ड्रिंक क्या होता है, ऑप्टेन होता है ना, ठीक है। अब ये ऑप्टेन तो हो रहा है, पर इसमें भी क्या होता है, डिपेंड करता है तुम्हारा अल्कोहल का कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ, तो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल ऑल्सो वेरिएबल इन डिस्टिल्ड ऑफ ऑनियन एंड अनडिस्टिल्ड, ठीक है, डिस्टिल्ड और अनडिस्टिल्ड अल्कोहल, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं तुमको एग्जांपल बताना चाहूँ, अल्कोहल, अल्कोहलिक बेवरेज विद सब्सट्रेट्स एंड देयर कंसंट्रेशन, क्या क्या बोला मैंने, मैंने बोला अल्कोहलिक बेवरेजेस विद सब्सट्रेट एंड देयर कंसंट्रेशन, तो उसमें एग्जांपल दें, ध्यान रखना इन एग्जांपल से कौन क्वेश्चंस आते हैं, तुम्हारी एनसीईआरटी में जो दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको स्टार मार्क कर लेना बेटा लोग, ठीक है। तुम्हारी एनसीईआरटी के एग्जांपल है, उसमें लिखा है, पहला लिखा है बियर और दूसरा लिखा है वाइन, बियर और वाइन, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, लो अल्कोहलिक कंटेंट होते हैं, और इनमें अल्कोहलिक कंटेंट जो रहता है वो कितना रहता है, 3-6% और तुम्हारा 9-12%, ठीक है। और बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि बियर जो बनाई जाती है वो किस किसको फर्मेंट करके बनाई जाती है, वो बनाई जाती है बेटा, बियर को बनाया जाता है, ये देखो मैं ब्लैक पेंसिल लिख रहा हूँ, बार्ले माल्ट, ठीक है, एंड अनदर वन जो वाइन बनती है, वो बनती वाइन जो बनती है बेटा, वो बनती है फ्रूट जूसेस से, वो किससे बनती है, फ्रूट जूसेस से बनती है, ठीक है, किससे बनती है, फ्रूट जूसेस से बनती है। जैसे मैं बोलूँगा आज के मार्केट में तुम्हें देखा ग्रेप, ग्रेप का बियर मिल रहा है, ठीक है, तो वो एक्चुअली बनती फ्रूट बियर बनती उसी से, और इसमें क्या होता है, लो अमाउंट में अल्कोहल होता है, ठीक। और ये कैसे होता है बेटा, ये बियर और वाइन दोनों के दोनों क्या होते हैं, अनडिस्टिल्ड होते हैं, अनडिस्टिल्ड होता है। इसका याद करने का तरीका है बेटा कि जो बियर गिल्स का नाम सुना तुमने, बियर गिल्स जो मैन मासेस वाइन आता है, ठीक है, तो बियर गिल्स क्या करता है, जब वो जंगल ब्रीड करता है तो उसको प्यास लगती है, प्यास लगती है तो उसको अनडिस्टिल्ड बियर एंड वाइन्स, तो बियर, बियर गिल्स को क्या करना पड़ता है, अनडिस्टिल्ड वाटर पीना पड़ता है, क्या किससे याद रखोगे, बियर गिल्स से, क्या मैन वर्सेस, मैन वर्सेस वाइल्ड, ठीक है बच्चों लोग, ठीक है, है ना। फिर इसके बाद हमारे पास कुछ और है जो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो एनसीईआरटी के एग्जांपल भी हैं, अगर मैं बोलूँ आपको डिस्टिल्ड में जो आएगा, डिस्टिल्ड में जो आएगा वो रहेगा तुम्हारा पहला क्या,
क्या रहेगा? विस्की दूसरा, ब्रांडी तीसरा, रम और दो और एक्स्ट्रा हैं याद रखना, जिन एंड वोडका। तो इसको याद करने का तरीका बेटा, याद रखो स्टिल वाले को याद करने का तरीका है कि विस्की एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसमें र्यूमर्स फैलाया है कि इसका जो जीवन में इफेक्ट होता है वो बहुत वायलेंट तरीके का होता है। क्या क्या इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक अगर मैं साइड में लिखूं तो क्या लिखोगे? विस्की बिग ब्रांड, ठीक है, और जो रूमर फैलाता है, क्या फैलाता है? रूमर इफेक्ट फैलाता है कि जीवन में इन जीवन में क्या करता है? वायलेंस इफेक्ट डालता है, ठीक है बेटे, ठीक है, वायलेंस इफेक्ट डालता है। अब इसमें जो कंसंट्रेशन की बात कर लो, इसमें कंसंट्रेशन की बात करूँ सबसे ज़्यादा किसका होता है? वोडका का होता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है? वोडका। वोडका में 60-80% अल्कोहल रहता है। कितना बेटा लो? वोडका में 60-80% अल्कोहल रहता है। और बेसिकली जो वोडका बनाया जाता है वो पोटैटो से बनाया जाता है। किससे? पोटैटो को फर्मेंट करके बनाया जाता है। और तुम्हारी एनसीईआरटी में दो एग्जांपल और दिए हैं कि जो विस्की है, विस्की सीरियल से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? सीरियल से बनाई जाती है। और जो रम है, वो रम जो है वो किससे बनाया जाता है? मोलासेस से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है बेटा लोग? जो रम है वो मोलासेस से बनाया जाता है, ठीक है। तो विस्की किससे बन रही है? तुम्हारी सीरियल से बन रही है, सीरियल से ही बन रही है। ब्रांडी, बेसिकली ब्रांडी जो होती है, ब्रांडी भी फ्रूट जूसेस से बनती है। किससे बनती है? फ्रूट जूसेस से बनती है। इस फ्रूट जूसेस में तुम्हारा क्या होता है, जो विस्की होती है, जैसे वोडका में सबसे हायर अमाउंट में कंसंट्रेशन अल्कोहल होता है, ऐसे तुम्हारा क्या होता है, विस्की में भी जो कंसंट्रेशन होता है वो लगभग 60-70% अल्कोहल होता है। 60-70% अल्कोहल होता है, ठीक है, है ना, ठीक है बेटा। सॉरी, विस्की में जो रहता है तुम्हारा कंसंट्रेशन वो 50% रहता है, और जो ब्रांडी में रहता है कंसंट्रेशन, वो पिंक पेंसिल लिख रहा हूँ, वो रहता है तुम्हारा क्या 60-70%, ठीक है ना। और इसको फूड जैसे से बनाया जाता है, और जिनको फाइनली ड्राई माल्ट से बनाया जाता है, ये भी याद रखना, जिनको ड्राई माल्ट से बनाया जाता है, क्लियर। अब मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा बेटा, जो माल्टेड सीरियल्स हैं, क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या, कि माल्टेड सीरियल्स मोलासेस एंड फ्रूट जूस प्रोड्यूस एथेनॉल बाय फर्मेंटेशन, मोलेसिस। और एक और चीज़ बोलूँ, मोस्टली मोलेसिस आर द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन। क्या बोल रहा हूँ कि मोलेसिस है जो कि क्या है, मोस्ट कॉमन है, किस लिए? इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। याद रखना, मोलेस क्या है, इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए मोस्ट कॉमन है, ठीक, इतना याद हो गया। इसके बाद मैं बोलता हूँ, तुम्हारा जो फंगाई है या बैक्टीरिया है, मैक्सिमम एक चीज़ बोलूँ क्या बोल सकता हूँ बेटा, कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ अल्कोहल जो प्रोड्यूस करता है, अल्कोहल प्रोड्यूस वो कितना होता है बेटा? 30% होता है। अगर मोर देन 30% बनाएगा, क्या करेगा, मोर देन 30% क्या करेगा, मेक करेगा कोई माइक्रोब्स,
मेक करेगा कोई माइक्रो मेक एनी माइक्रोस तो याद रखो मेक करेगा कोई माइक्रोस तो याद रखो ये क्या करेगा अपने आप को ओन सेल्फ क्या करेगा डिस्ट्रॉय कर लेगा क्या कर लेगा बेटा डिस्ट्रॉय मतलब ये खुद की पैर में क्या करेगा कुल्हाड़ी मार लेगा मतलब क्या करेगा ये खुद की पैर में कुल्हाड़ी मार लेगा खुद की क्या करवा लेगा ओन डेथ बाय द इंक्रीजिंग ऑफ परसेंटेज याद रखो उसको इसके बाद तुम्हारा दूसरा पॉइंट क्या है बेटा तुम्हारा एंटीबायोटिक्स क्या है एंटीबायोटिक्स ठीक है क्या है एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स जो हुई थी बेसिकली अगर मैं बोल रहा आपको ये जो किल करता है एंटीबायोटिक्स यूज ओनली फॉर किलिंग या किल्स यूज ओनली फॉर किलिंग द बैक्टीरिया नॉट फॉर वायरसेस वायरस के लिए हम क्या करने करते बेटा उसको यूज नहीं करते याद रखना ठीक है ना पहली चीज़ तो याद रखो दूसरी चीज़ इसकी जो खोज हुई थी बहुत मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी थी क्या थी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी थी ठीक है याद रखो जी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी थी इसके बाद हम क्या बोलते हैं बेटा कि जो तुम्हारे एक साइंटिस्ट थे साइंटिस्ट का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ही वॉज वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकस या कोकाई बैक्टीरिया ही वॉज वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकसी बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे ये क्या हुआ इस जिस बैक्टीरिया को काम कर रहे थे जिस प्लेट में ये काम कर रहे थे उस प्लेट को वो ऐसे ही छोड़ के चले गए आफ्टर सम टाइम ये क्या हुआ जब एक दो दिन बाद जब वहाँ पर वो वापस आए उन्होंने क्या देखा कि इस प्लेट में जहाँ पर क्या था बैक्टीरिया पूरे प्लेट में ग्रो कर रहे थे ठीक है फिर इनके बीच में एक चीज़ ग्रो कर गई क्या ग्रो कर गई बेटा यहाँ फंगस ग्रो कर गई जब फंगस ग्रो कर गई तो इसने क्या किया कि साइड के जितने साइड में क्या था साइड में क्या था कि जहाँ जहाँ पर इसका इफेक्ट था वहाँ वहाँ पर इसने क्या कर दिया केमिकल कुछ साइड में क्या किया इसने किसने फंगस जीनिजिस केमिकल जब उसने केमिकल रिलीज किया उसने क्लीन कर दी आइट साइड में जितने भी बैक्टीरिया थे ठीक है तो इन्होंने डिस्कवर करके छोड़ दिया फाइनली क्या हुआ कि जब वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे दो साइंटिस्ट इन 1945 फ्लोरे एंड अर्नेस्ट चेन ने क्या किया इसको वर्ल्ड वॉर टू के साथ से इसको यूज़ किया और यूज़ करने के बाद उसने करीबन 1000 सोल्जर्स को ठीक किया अब तुम लोग बोलोगे कि सर तुम तो बताएंगे कि फंगस का डाल ठीक है ये बताया नहीं तो एक्चुअली जो फंगस ग्रो हुआ था वो फंगस का नाम था क्या पेनिसिलिया नोटेटा क्या नाम था उसका पेनी
सीलियम नोटेटम, क्या नाम था उसका, पेनिसिलियम नोटेटम। और इस पेनिसिलियम नोटेटम से जो केमिकल रिलीज हो रहा था वो केमिकल का नाम था बेटा, जो केमिकल रिलीज हो रहा था उस केमिकल का नाम था पेनिसिलिन, क्या नाम था, पेनिसिलिन। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं बता दूँ जो तुम्हारी एनसीईआरटी में थोड़ा यहाँ पे नहीं है, थोड़ा बाहर है, कि अब इसका जो प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो बनाने लगे हैं हम, वो बताते हैं किससे बेटा, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। किससे, पेनिसिलिन जो अब हम इंडस्ट्री लेवल में यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ करते हैं हम बनाते हैं किससे, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। ठीक है, हम इसका यूज़ करते हैं सॉरी ठीक, एक ये खत्म हो गया, एंटीबायोटिक खत्म हो गया बेटा। अब मैं बताऊँ एक और चीज़, एक एंटीबायोटिक और है जो तो फंगस से मिल रही है हमें। ठीक है, एक एंटीबायोटिक और थी जो बैक्टीरिया से मिल रही थी, बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स, और इसका नाम था तुम्हारा क्या, स्ट्रेप्टो माइसिन, याद रख लो स्टेप्टो माइसिन। ठीक है बेटा, ठीक, अब इसकी बात करो, इसके बाद हम क्या बोलते हैं, तीसरा जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो है तुम्हारा क्या, केमिकल एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। क्या क्या बेटा तुम्हारा क्या, केमिकल्स एंजाइम्स एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, क्या नाम है, केमिकल एंजाइम एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक है ना, ठीक है, इतना समझ में आया। तो बायोटिक मॉलिक्यूल आर दो मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल होते हैं विच आर फंक्शनिंग इन लिविंग सिस्टम एंड कैन इंटरेक्ट विद द देयर कंपोनेंट। फंक्शनिंग क्या है बेटा, वो लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट रहते हैं और वो कंपोनेंट से क्या करते हैं, हम एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ ध्यान से सुनो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि बायो एक्टिव मॉलिक्यूल आर दोज मॉलिक्यूल विच आर फंक्शनली इन लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म सिस्टम और कैन इंटरेक्ट विद देयर कंपोनेंट। ठीक है, इतना याद रखो, माइक्रो यूज इन कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सेकेंड में बताया चाहिए। अगर मैं बोलूं जो माइक्रोब्स हैं वो कमर्शियल लेवल पे एंड इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, तो कर रहे हैं इंडस्ट्रियल लेवल। अगर मैं एग्जांपल लिखना चाहूँ बेटा, एग्जांपल लिखना चाहूँ तो उस एग्जांपल में पहला एग्जांपल तुम्हारा ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। दूसरा मैं बताना चाहूँगा एल्कोहल एंजाइम, दूसरा क्या बताना चाहूँगा, एल्कोहल एंजाइम, एंड तीसरा है तुम्हारा क्या है, एल्कोहल एंजाइम जो तुम लोगों ने क्या कुछ ऐसे क्या बोलते केमिकल पढ़े हैं, जैसे तुम लोगों ने सुना होगा क्या,
एक इम्यून सप्रेसेंट का नाम सुना होगा, साइक्लोस्पोरिन। ए और क्या नाम सुना है, एक और नाम सुना होगा, स्टेटिंस। बेसिकली ये तुम्हारे क्या होते हैं, सारे के सारे आपके एग्जाम्पल होते हैं। और पहला क्या है आपका, पहला क्या है आपका, याद रखो, पहला क्या है ऑर्गेनिक एसिड है, दूसरा क्या है एल्कोहल एंजाइम है, तीसरा क्या है साइक्लोस्पोरिन है, चौथा क्या है स्टेटिंस। क्या है तुम्हारा स्टेटिंस। पहला एग्जाम्पल जब मैं बात करता हूँ किसकी, ऑर्गेनिक एसिड की, पहले किसकी बात करता हूँ, ऑर्गेनिक एसिड की जब बात करता हूँ तो चीज़ समझ में आती है बेटे लोग कि सर्टेन माइक्रोब्स हैव एबिलिटी टू कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू ऑर्गेनिक एसिड। क्या कि तुम्हारे जो माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स के पास ऐसी एबिलिटी है इनके पास, ये क्या करते हैं कार्ब्स को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ऑर्गेनिक एसिड में। याद रखो, इससे क्वेश्चन बहुत बहुत बार आया हुआ है, ये चीज़ याद रखना जो लिखवाने पाया हूँ, जो लिखवाने वाला हूँ मैं, जैसे मैं बोलूँ इसको याद करने का तरीका याद रखना, मैं ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। मैं पहला बोल रहा हूँ एस्परजिलस नाइगर। क्या है तुम्हारा बेटा, तुम लोग बता सकते हो, फंगस है। क्या है, फंगस है। और इसका यूज बेसिकली क्या करते हैं हम, जो प्रोडक्ट बनता है वो सिट्रिक एसिड बनता है। क्या बनता है प्रोडक्ट, सिट्रिक एसिड बनता है। और सिट्रिक एसिड का यूज जो एम्प्लॉय है वो किसमें बनाते हैं, किसमें यूज करते हैं, डाई, इंक, मेडिसिन, ठीक है, और फ्लेवर एंड प्रिपरेशन ऑफ फूड में करते हैं। क्या सिट्रिक एसिड का यूज किसमें करता है बेटा, जो हम इसका यूज करते हैं वो किसमें करते हैं, डाई बनाने में, डाई बनाना, इंक बनाना, मेडिसिन बनाना, और तुम्हारा फ्लेवर एंड प्रिपरेशन ऑफ फ्लेवर एंड प्रिपरेशन ऑफ फूड। ठीक है, याद रखो चीज। दूसरा क्या है, एसिटोबैक्टर एसिटाइल। अब इसको याद करने का तरीका एस्परजिलस, याद रखो कि नाइजेरिया में नींबू की नदी बहेगी, नींबू से क्या मिलता है, सिट्रिक एसिड मिलता है, ठीक है, तो नाइजेरिया में सिट्रिक एसिड की नदी बहती है, इससे याद रखो। तो एस्परजिलस नाइकस से क्या मिलता है, सिट्रिक एसिड मिलता है, जिसका यूजेस हम किस में करते हैं बेटा, डाई, इंक, मेडिसिन, फ्लेवरिंग, ठीक है, एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, ठीक है। दूसरा पॉइंट है तुम्हारा क्या, दूसरा बैक्टीरिया जो है, अगर मैं बोलूँ जिससे हम कोई एसिटिक एसिड लेते हैं, वो है एसिटोबैक्टर एसिटाइल। क्या है, एसिटोबैक्टर एसिटाइल, याद रखना एसिटोबैक्टर एसिटाइल। ये बैक्टीरिया में क्या है, बैक्टीरिया, इससे क्या मिलता है, एसिटिक एसिड मिलता है, ठीक है बेटा। और इसका यूज जो करते हैं हम बेटा, विनेगर बनाने में यूज करते हैं, किसमें बनाने में यूज करता है, विनेगर किसमें यूज करता है, जो तुम लोग देखा होगा, जो जितने भी हमारे जो चाइनीज फूड बनता है उसमें सारे में क्या विनेगर डलता है सभी पकाने के लिए, और इसके साथ साथ तुम्हारा क्या डलता है, अजीनोमोटिक, ठीक है, मोनोसोडियम फॉस्फेट के साथ उसका कंपोजिशन होता है। तीसरा क्या हो जाएगा बेटा हमारा, तीसरा फिर से याद रखो, तीसरा क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटैलिकम। इससे क्या मिलता है, ब्यूटैरिक एसिड मिलता है। यूज फॉर मेकिंग जेंसिड बटर, यूज किसमें, ठीक है। एक होता है लैक्टोबैसिलस, एक होता है क्या, लैक्टोबैसिलस,
इससे क्या बनता है? लैक्टिक एसिड, याद रख, किससे मिलता क्या? लैक्टिक एसिड। और हम क्या करते हैं इसका यूज़ बेटा, किसमें करते हैं? कार्ड बनाने में यूज़ करते हैं, है ना, याद रखो। और तुम्हारा एक और स्पेशल नाइगा और पेनिसिलियम, दोनों को तुम्हें यूज़ करते हैं हम किसमें बेटा? एक इम्पोर्टेंट लाइन है, इम्पोर्टेंट है, लिखना क्या? एस्पर्जिलस नाइगर और तुम्हारा क्या? पेनिसिलियम फंगाई, इन दोनों का यूज़ जो हम करते हैं किसके लिए करते हैं? ग्लूकोनिक एसिड। किस लिए बेटा? ग्लूकोनिक एसिड। ये बेसिकली इसमें ग्लूकोनिक एसिड क्या है? ग्लूकोनिक सोर्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है। ग्लूकोनेट, ग्लूकोनेट क्या है? ग्लूकोनेट सोर्स ऑफ कैल्शियम टू इन्फेंट्स, इन्फेंट्स के लिए कैल्शियम का सोर्स है, सोर्स है काउ एंड लैक्टेटिंग मदर से मिलता है, काउ एंड बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक। अब इसी में तुम्हारा पॉइंट क्या है? एक और पॉइंट है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होता है? एंजाइम्स में सबसे पहले क्या आएगा? लाइपेजेस बेटा, क्या लाइपेजेस? और लाइपेजेस किस लिए यूज होता है? कपड़े धोने के, जब क्या होता है कि कभी बाहर जाते हैं, बाहर जाते स्वेटिंग होती है, उस स्वेट के साथ क्या होता है तुम्हारा स्वेट किसमें लग जाता है, या खाना खाते हैं तुम्हारा स्वेट किसमें लग गया बेटा? शर्ट में लग गया, ठीक है। तो एक्चुअल में जो लाइपेजेस है हम यूज़ करते हैं डिटर्जेंट और मिशन के लिए, इसके लिए बेटा डिटर्जेंट किसके लिए यूज़ करते हैं? डिटर्जेंट और मिशन के लिए, ठीक है ना। और इसका डिटर्जेंट क्या करता है? रिमूविंग ऑफ ऑयली स्ट्रेन्स फ्रॉम लॉन्ड्री, याद रखो। और ये जो मिलता है माइक्रोब्स का नाम है, इस माइक्रोब्स का नाम कॉनिडिया लिपोलिटिका एंड जियोट्राइकम कॉन्टिडम एंड जियो ट्राइकम कैंडी, याद, ठीक है। दूसरा एंजाइम हमारे पास एमएलएस। एमएलएस क्या करता है? डिग्रेडेड स्टार्च आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम द एस्पर्जिलस, डिग्रेडेड स्टार्च और ऑब्टेन करते हैं जो हम ऑब्टेन्स फ्रॉम एस्पर्जिलस राइजोबस एंड बेसिलस स्पीसीज, ठीक। तीसरा पॉइंट है हमारा, तीसरा इसमें एंजाइम जो आएगा वो आएगा क्या? पेक्टिनेस। क्या आएगा बेटा? पेक्टिनेस। पहला क्या था हमारे पास? लाइपेस। दूसरा क्या है? एमाइलेस। तीसरा क्या है? पेक्टिनेस, याद रखो। तीसरा क्या बेटा? पेक्टिनेस। पेक्टिनेस क्या करता है? पेक्टिनेस का काम क्या है कि जब हम क्या करते हैं, फ्रूट जूसेस क्या करता है? क्लियर करता है। कैसे क्लियर करेगा? क्लियर करता है कैसे? कैसे फॉर्मेंट करेगा? तुम लोग को अच्छी पता है जो पेक्टिनेस होता है और पिट्यूज होता है,
तो तुम लोग को पता है प्लांट की सेल वॉल जो बनती है जो बनती है तो कैल्शियम पैक्टेट की बनती है, उस कैल्शियम पैक्टेट पे काम करता है सेल, कैल्शियम पैक्टेट जो सेल वॉल बनी होती है, सेल वॉल ठीक है, उस पर जाकर काम करता है, उसको क्या करता है डिस्ट्रॉय करता है, ठीक बेटा है ना, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया है या फंगस बोलूँ मैं, उस किससे मिलता है, यह हमें एक्चुअली जो मिलता है वो एस्पर्जिलस जाइगर से मिलता है, किससे मिलता है एस्पर्जिलस जाइगर से मिलता है, और कुछ कुछ याद रखना वेसिकल स्पीसीज से मिलता है, एक चीज़ याद रखो। और सबसे इसके बाद तुम लोग को मैंने दो चीज़ और निकाली है, क्या साइक्लोस्पोरिन में स्टेटिन्स और स्ट्रेप्टोकाइनेस, शायद यहाँ पर नहीं लिखाना भूल गया कहाँ पर, यहाँ पर एंटीबायोटिक्स लिखा है मैंने इसके नीचे, ठीक है छोड़ो, क्या पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, क्या स्टेप्टो काइनेस, ये स्टेप्टो काइनेस जो है बताओ याद रखो, ये स्टेप्टो काइनेस जो है याद रखना क्या है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं जिसको क्या होगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है या हार्ट अटैक की बीमारी होती है, जिसको ड्यूरिंग दी हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है स्ट्रेप्टोकाइनेस को देता है, डॉक्टर क्या करेगा प्रोवाइड स्ट्रेप्टोकाइनेस, वो इसलिए प्रोवाइड कराएगा कहीं वो डॉक्टर ये ना सोचे कि इसके हार्ट पे कोई ना कोई क्लॉट ना बनाओ, कोई ना कोई क्लॉट ना बनाओ, तो क्लॉट रिमूविंग के लिए क्या बोल रहा हूँ, क्लॉट रिमूविंग के लिए क्या करते हैं, क्लॉट रिमूविंग फॉर क्लॉट रिमूविंग हम क्या कहलाते हैं उनको, स्ट्रेप्टोकाइनेस डॉक्टर प्रेफर करता है, याद रखना एक चीज़। इसके बाद अगला है तुम्हारा इम्यूनो सप्रेसेंट साइक्लोस्पोरिन ए, क्या इम्यून सप्रेसेंट साइक्लोस्पोरिन ए क्या होता है ड्यूरिंग दी, क्या होता है कि ड्यूरिंग दी ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ड्यूरिंग दी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हमारे बॉडी में दो टाइप के चेकअप होते हैं, इम्यूनिटी चेकअप चेकिंग होती है बेसिकली, अगर मैं बोलूँ तुम लोग को पता है एक होती है सेल रिलेटेड, ठीक है ना, और एक और होती है टी सेल, कुछ उनको सी एम आई और ए एम आई, ठीक है। तो सेल मेडिएटेड वाली क्या होती है बेटा, याद रखो क्या करती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है जो सी एम आई, क्या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या कर देगी, इसको रिजेक्ट कर देगी, इसको किसको रिजेक्ट कर देगी ऑर्गन ट्रांसप्लांट को, कैन बी रिजेक्टेड। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा ऑर्गन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे ऑर्गन को तुम्हारा मैक्रोफेज काम करने लगेंगे, मैक्रोफेज काम करेगी तो ऑर्गन कैसा हो जाएगा बस बन जाएगा, और फाइनली पेशेंट की क्या हो जाएगी डेथ रहेगी। तो हम क्या करते हैं साइक्लोस्पोरिन देते हैं, और साइक्लोस्पोरिन क्या करता है इम्यून सप्रेसेंट होता है जो बॉडी को क्या कर देता है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए मना कर देता है, क्या कर देता है स्टॉप ऑर्गन जो क्या हुआ है ट्रांसप्लांट को, याद रखो एक चीज़ ठीक है ना बेटा लोग, इसके बाद याद रखो ये चीज़ याद होगी ठीक है। और जो साइक्लोस्पोरिन है ये मिलता किससे, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका नाम क्या है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, क्या नाम है इसका, ये मिलता किससे और साइक्लोस्पोरिन ऑब्टेन फ्रॉम ट्राइकोडर्मा
होलिस पूरम ठीक है। और इसके पास साइक्लोस्पोरिन के पास एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है ठीक है। इसके पास क्या होता है एंटी फंगल और एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है एंटी फंगल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या होता है प्रॉपर्टी होती है ठीक है बेटे लोग। इसके बाद याद रखो क्या मैंने क्या बताया था स्टेटिन। स्टेटिन्स क्या करते हैं इनका काम एक ही चीज़ है। इनका काम क्या है कि ब्लड में किसमें बेटा ब्लड में क्या करते हैं ये लोवरिंग दी क्या करेंगे लोवरिंग दी कोलेस्ट्रॉल लेवल। बेसिकली ये क्या करते हैं एक एंजाइम पे काम करते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होता है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के लिए। उसका नाम है क्या एंजाइम का नाम है HMG को एंजाइम उसको एंजाइम को क्या कर देते हैं ये बनने से रोक देते हैं और फाइनली क्या हो जाता है कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता। फाइनली ये तो मेरा कंप्लीट हुआ बेटा लोग। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट।